समझ नहीं पाए क्योंकि ऐसे ही चलेगा। इस बार तो हम ही जीतेंगे। अरे बेटा हमारे आगे तो सीढ़ी है। अच्छा अक्षरा नीचे आ गए। भाभी लाइन नक्श को मुझे दीजिए, कब से इसकी राह देख। जीजू अभी आपकी टर्न है और तीन आ गए तो आप जीत जाएंगे। आप जाइए, आपका चांस है, इसे बाद में ले लीजिएगा। जाइए पहले खेल लीजिए। अंशु तुम मेरी तरफ से खेल लो, मैं बच्चे को लेता हूँ। ये जीजू आप जीत गए, आप फर्स्ट हैं। वर्षा तू तो कह रही थी कि तुझे फिल्म देखनी है। भाभी प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। मेरा बेटा मेरा नक्श। अरे 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 चल आजा। अरे कौन है भाई? चलो चलो हेलो हेलो करो नक्शे हेलो। लाइए इसे मुझे दे दीजिए, आप थक गए होंगे ना, वैसे भी आपको इतनी देर गोद में लेने की आदत नहीं। अक्षरा बेटा आदत तो धीरे धीरे ही पड़ती है, छमाई सा को भी पड़ जाएगी। राइट बाबूजी। अरे देखो कैसे मुस्कुरा रहा है नक्श। हाँ देखिए मेरा बेटा मेरी गोद में कितना खुश है। देखो देखो पापा आए, पापा के पास हो ना। मेरे लाल मेरे पीले इतने रो क्यों रहे हो? देखो अपने पापा की इज्जत सबके सामने रख लो प्लीज। देखो आप कौन है, कौन है? चल। बस नाक्ष, तुमने अपनी मम्मी के साथ मिलकर अपनी टीम बना ली है। चल मम्मा और मम्मा का डुग्गू अपने कमरे में चलते हैं, आराम से बैठेंगे, ठीक है ना? आप और मैं बस। चलो नंदिनी को लाज आ रही होगी मुझे बताते हुए, इसलिए नहीं बताया होगा, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, पूछ तो सकती हूँ। मैं उसकी मुश्किल आसान कर देती हूँ, मैं फोन करके पूछूंगी। और अभी से उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा ना। भाभी माँ खबर पूछने के लिए आप इतनी उत्साह दिखा रही हैं और मुझे टोकती हैं कि पोते में मन अटका है। हेलो नंदिनी बेटा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, वहाँ सब ठीक है ना? तुझसे एक बात पूछने के लिए फोन किया है। हाँ माँ बोलिए ना, क्या हुआ? बेटा तू क्यों गई थी महिला डॉक्टर के पास? बहू ने देखा था तुझे। वो माँ बता खुशखबरी है ना? नहीं माँ मैं तो बस नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच। क्या बेटा तू सच कह रही है? हाँ माँ सच। अच्छा माँ कुछ मेहमान आए हुए हैं घर पे, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कह रही है ऐसे ही जांच के लिए गई थी। भाभी माँ मन छोटा मत करिए, आज नहीं तो कल ये हो जाएगा। देखिएगा ये शुभ खबर हमें जल्द ही मिलेगी। हाँ बस बस जुगु, बस 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 करो, क्या हो गया? हाँ बस।
अंताक्ष बस। ये एक राजकुमार और एक राजकुमारी की कहानी जो उनकी शादी के बाद शुरू हुई थी, जब वो सपनों की दुनिया में थी और उन्हें सोचा था कि शादी के बाद वो जिंदगी एक साथ खुशी खुशी बिताएंगे, और वो बिता भी रहे थे। राजकुमारी की मीठी भजन की आवाज सुन के उसकी सुबह होती, उसके हाथ से वो खाना खाता, उसके साथ बातें करते हुए रात बीतती। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो गई, और ना जी राजकुमारी हो गई नाराज, और जब वो नाराज हुई तो राजकुमार के महल में अंधेरा छा गया, सारे चिराग बुझ गए। राजकुमार ने अंधेरे में राजकुमारी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उससे कहने की कोशिश की कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन राजकुमारी ने उसकी एक न सुनी और वो अपने महल लौट गई। राजकुमार ने उसे बहुत बुलाया लेकिन वो नहीं आई। अब राजकुमार को उसकी बहुत याद आती थी, वो रोज अपने कमरे में उसकी तस्वीर बनाता, उसके कंगन देख उसकी चूड़ियों की खनक महसूस करता। अब उसकी जिंदगी में राजकुमारी की मीठी आवाज नहीं तो उसकी सुबह नहीं होती। प्यार भरे हाथ उसे खाना खिलाने के लिए नहीं थे तो उसे भूख नहीं लगती। देर रात तक दिल की बातें करने के लिए कोई नहीं था तो उसकी रात नहीं कटती। वो बहुत अकेला हो गया था। उस झूले पे अकेला झूलता जिस पे वो एक साथ झूला करते थे, उस शांत को देखता जिसके सामने कई बार प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ा करते थे, उसे बहुत दुख हुआ कि उसने राजकुमारी के साथ और वक्त क्यों नहीं बिताया, क्यों नहीं वो महल में अंधेरा होने से पहले उसने माफी मांग ली और उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत We'll be right back.
चले गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब नुकसान हो चुका हो फिर बाद में पछता के क्या हासिल। सच में मैं भी कितनी पागल हूं ना, इतने प्यार से बहाने बनाकर वो हमसे मिलने आए थे और मैंने कुछ ज्यादा ही चढ़ा दिया। मुन्ना तुझे ही फोन कर रही थी बेटा, कहाँ गया था इतनी देर लग गई। माँ नक्श से मिलने गया था। क्यों लला ठीक है ना। माँ सब कुछ ठीक है, एक्चुअली मैं उसे बहुत मिस कर रहा था इसीलिए चला गया। सॉरी आपको बता ही नहीं पाया। समझती हूँ बेटा, लल्ला के बिना तो घर मुझे काटने को दौड़ रहा है, तो तुझे तो और भी बुरा लग रहा होगा। लेकिन मुन्ना तुझे मुझे बताना चाहिए था, फिर मैं भी चलती ना तेरे साथ लल्ला को मिलने। सच कहूँ बेटा, पूरे दिन जान तो मेरी उसी में अटकी रही। बार बार लगा अब आएगी लल्ला की आवाज रोने की, अब बहू सीढ़ियों से उतरेगी उसे लेकर, अब मालिश का समय हो गया, अब वो सो रहा होगा। ऊपर जाने की तो हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन चलो दो दिन की बात है, फिर लौट आएगा। तू बता वहां सब ठीक था, बहुत ध्यान रख रही है ना उसका। माँ अक्षरा उसे अपनी गोद में ही रखती, मजा ले कोई उसे उनकी गोद से ले ले। ये अच्छा है, इसी बात की चिंता थी मुझे, बहू को समझा कर तो भेजा था मैंने। लेकिन माँ मैं थक गया हूँ, जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता। बेटा खाना तो खा, तैयार है सब, बस तेरी राह देख रहे थे। माँ मुझे भूख नहीं है। क्यों अब वहां से खाकर भी आया है क्या। हाँ खा लिया है, कचौड़ियाँ खाई है। एक्चुअली माँ ने मेरी फेवरेट मटर कचौड़ियाँ बनाई थी, तो फिर मेरा हाथ रुका ही नहीं, पता नहीं कितनी सारी खा गया, और दिल भर के मैंने जलेबी भी खा ली। अच्छा तो ठीक है, तू हाथ मुंह धो, थोड़ी देर में दूध भिजवाती हूँ। हाँ ठीक है माँ, आप दादाजी से कह दीजिए। मुन्ना जी एक बात कहूँ बेटा, हमारा लल्ला बहुत किस्मत वाला है जो उसे तेरे जैसा पापा मिला। कितना प्यार करता है उसे, कितना ख्याल रखता है तू अपने बेटे का। हम सोच ही रहे थे तुझे उठाएं या ना उठाएं, खाना शुरू करें या ना करें, आजा बैठ। और ऐसे में भूखा सोना ठीक नहीं है, माँ को हमेशा अच्छे से खा लेना चाहिए। तुम्हारी पसंद की पनीर की सब्जी बनी है आज। हाय मुनी मैया, चीकू को हम पकड़े आज। जमाई सा तो बिना भोजन किए ही चले गए, कह रहे थे कि कचौरियां कुछ ज्यादा ही खा ली। हाँ काफी देर तक बैठे थे हमारे साथ, वो तो सो गई थी, उसके बाद हम सब ने मिलके सांप सीढ़ी खेली। हाँ और अंशु को केमिस्ट्री भी पढ़ाई उन्होंने। और ये भी कह रहे थे कि केमिकल अगर नाप से ज्यादा हो जाए ना तो रिएक्शन कुछ और ही हो जाता है। अच्छा है काफी देर बैठे, बहुत आनंद आया उनसे बात करके। तीज त्योहार में तो फुर्सत से बात ही नहीं हो पाती। अगर तू होती तो बहुत अच्छा होता। जो मेघ गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका मतलब क्या होता है। बेटा इसका मतलब ये होता है कि जो लोग दिखावा करते हैं ना उनका दिखावा ना धरा का धरा रह जाता है, इसलिए ना ज्यादा शेखी नहीं बगाड़नी चाहिए। हाँ। क्या हुआ। कुछ नहीं, वो थोड़ा सा ठसका लग गया। अक्षरा और चीकू के आने से कितनी रौनक हो गई है ना। वैसे तेरे ससुराल में पोते को सब याद कर रहे होंगे। रश्मि भी है ना वहां पे, सबका मन लगा रहेगा। जा खीर लिया।
जी बड़ी माँ। दादी इसे ले लीजिए, मैं ऊपर से फोन लेकर आती हूँ। एक फोन कर। लाओ जी। ये फोन रखा है ना, इससे बात कर ले। ठीक है माँ। मेरा राजा छोजा छोजा। हेलो। हेलो रश्मि, मैं भाभी बोल रही हूँ। हाँ भाभी, कैसी हैं आप? खूब एंजॉय कर रही होंगी ना मायके में। अच्छा बताइए, क्यूटी नक्श क्या कर रहा है? वो भी ठीक है। तुम कहीं बाहर हो क्या? हाँ भाभी, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, वहीं से लौट रही हूँ। इतनी रात को? हाँ, वो उसका आज बर्थडे था ना, उसने मुझे इन्वाइट किया था। बहुत एंजॉय किया हमने। निखिल जी भी है ना साथ में? नहीं भाभी, उन्हें मैंने कहा ही नहीं, वो तो मेरे फ्रेंड्स थे ना। अरे रश्मि, एक बार बात तो कर लेती, बोल के देखती, शायद वो आ जाते। नहीं भाभी, कोई फायदा नहीं है, और मैंने तो उम्मीद करना भी छोड़ दिया है। अब मैं उन्हें अच्छे से जान गई हूँ। जब से मैं यहाँ रुकी हूँ, उन्होंने मुझे एक बार फोन तक नहीं किया। उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है तो? मुझे भी नहीं है। वैसे भी भाभी, इस शादी का कोई मतलब ही नहीं रहा। रश्मि प्लीज, तुम ऐसा मत बोलो। अच्छा भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो घर आ गया है ना? ठीक है भाभी, बाय। ये रश्मि ऐसे क्यों कह रही है? मुझे लगता है मुझे कल ही जाकर फौरन उससे बात करनी पड़ेगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सो गया मेरा चीकू? देखो तो माँ के कमरे में कैसे चैन से सो रहा है। अच्छा बेटा सुन, ये सौफ का पानी बना के थर्मस में रख देती हूँ, रात को यही पीना। हाँ और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं माँ, और कुछ नहीं चाहिए, उतनी जरूरत ही क्या पड़ती है, बस ये रात को उठता है। ये उठेगा तो मैं इसे संभाल लूंगी, तू आराम से सोना। माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं अकेले सो जाऊंगी। बेटा ये परेशानी नहीं है, सुख है। तुझे और शौर्य को नहीं पाला है क्या रात रात भर जाके? हाँ माँ जानती हूँ, लेकिन अब ना मुझे आदत हो गई है इसके साथ, आपको बेकार में ही परेशानी हो जाएगी, आप थक जाएंगी। बेटा इस पे थकावट कैसी? इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था, कब मेरा चीकू मेरे पास आएगा, मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ सोएगा। यही तो पल है जो याद रह जाते हैं, और वैसे भी मुझे रोज रोज कहाँ मिलेंगे ये पल। मैं समझती हूँ माँ, लेकिन ये बार बार उठता है। वहां माँ भी जब मेरे पास सोने आई थी ना, वो कह रही थी कि तुम्हें अच्छे से नींद मिलेगी, तब भी अपनी दादी को रात रात भर जगाता था, उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। ऐसे में तो अच्छा है ना कि मैं ही इसे अच्छे से संभालूं। बाकी अपनी दादी को भी नहीं सोने देता था, और जब रात को उठता है ना तो इसे थपकी देकर सुलाना पड़ता है, तब जाके सोता है आपका चीकू। और अब तो मुझे आदत हो गई है, मैं इसे नींद में भी सुलाती रहती हूँ। आप जाइए कमरे में आराम से सो जाइए। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब तो चलता है। माँ कुछ नहीं चलेगा, आपसे मैं कह रही हूँ ना, आप जाइए आराम से सो जाइए, वैसे भी आपने यहाँ सब रख दिया है और कुछ नहीं चाहिए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।